ठीक है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक लेक्चर हो गया है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है ना। अब मैंने ये भी बता दिया था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, है ना। ये पहले लेक्चर में ही मैंने बता दिया था कि अगर कोई एक सिंगल लीनियर इक्वेशन है और अगर एक वेरिएबल चाहिए तो हमारे लिए बड़ा ईजी होता है, नंबर को उधर भेज दिया, जैसे फोर को उधर भेज दिया, एक्स को तनहा रख दिया और हमने वैल्यू निकाल लेते थे एक्स की, ठीक है ना। ये तो लीनियर इक्वेशन तो बहुत इजी था, है ना, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी थी। तो क्या होगा अगर हमें दो इक्वेशन, दो वेरिएबल दे दिया जाए, क्या होगा, हमें क्या होगा, कितनी वेरिएबल, ठीक है, जैसे कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, जैसे कि टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर। अब देखो इस इक्वेशन में क्या है, ना तो x पता ना y, भाई सिर्फ अगर x नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से निकाल लेंगे, लेकिन x y दोनों नहीं पता है या फिर 2x 3y दोनों नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन में सीखा, ठीक है, कैसे निकालना है। तो अगर दो वेरिएबल तुम्हें नहीं दिया है, अगर दो वेरिएबल नहीं दिया है तो दो इक्वेशन भी देगा तो हम लोग साइमल्टेनियस के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास एक्चुअली तीन मेथड है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने कितने मेथड है हमारे पास, तीन मेथड हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। पहला पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड जो कि सबसे इजी है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लाई, तीसरा है, ये भी बहुत इजी है, इसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने मेथड हैं, हमारे पास तीन मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, देखो क्वेश्चन तो वही दिया होगा, दो इक्वेशन आपको दी होंगी, जैसे कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और एक दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, कुछ इस तरीके से दो इक्वेशन दी गई है, तुम्हें बोला गया है कि x और y की वैल्यू निकालो, लेकिन कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक्चुअली मेथड बहुत ही कम होता है एग्जाम में मेथड पूछे आपको, वैसे आपकी मर्जी आप कौन सा मेथड कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको तीनों मेथड बता सकता हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पहली वाली इक्वेशन लाओ, लाए क्या करो मालूम है, किसी एक को तनहा कर दो, चाहे x को तनहा कर दो या तो y को, चलो मैं y को तनहा कर देता हूँ, ठीक है। इसे मेरा मैं पहले मैं कॉपी कर रहा हूँ, 2x प्लस y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस 2x, y तनहा हो गया, हाँ सर y तनहा हो गया, y बिल्कुल अकेला, होल मार दिया, नंबर वन दे दिया। अब आपको क्या करना, दूसरी इक्वेशन उठानी है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, अरे भाई y की वजह तो मालूम पड़ गई, तो यहाँ पर y की जगह y की वैल्यू डाल लेंगे ऊपर से। सुन लो फिर से, दो इक्वेशन तुम्हें दी जाएंगी, ओके सर, पहली वाली इक्वेशन उठाओ, किसी एक वेरिएबल को तनहा कर दो, जो भी तुम्हारी मर्जी हो, x को तनहा कर दो या फिर y को तनहा कर दो, हमने y को तनहा कर दिया, 2x उधर भेजा 4 के पास, 4 माइनस 2 आ गया। अब दूसरी वाली इक्वेशन उठाएंगे, पिछली बार y की वैल्यू आ गई, दूसरी वाली इक्वेशन y की वैल्यू डाल देंगे, तो 3x प्लस 2, अब y की वैल्यू क्या आई है, 4 माइनस 2x आई है इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 2 4 द 8 माइनस 2 2 द 4x, है ना, ब्रैकेट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 6। अब मज़ा आ रही है, हाँ सर अब मज़ा आ रही है, अब तो सिर्फ x ही x बच रहा है, ठीक है, अब तो सिर्फ x ही x बच रहा है, तो 3x माइनस 4x माइनस x प्लस 8 इज इक्वल टू 6, माइनस x इज इक्वल टू 8, उधर जाके माइनस होगा तो माइनस 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, खत्म, क्वेश्चन खत्म, नहीं अभी y की वैल्यू निकालना बाकी है, तो y को ये होल्ड किया तो 4 माइनस 2x, बस यहीं पे आओ, y इक्वल टू 4 माइनस 2, x की वैल्यू क्या आई है, 2 आ गई है, तो प्लस 2y इंटू 2, है ना, देखो 4 माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे तुम इसमें डाल दो, चाहे तुम इसमें x की वैल्यू डाल दो, चाहे तुम इसमें x की वैल्यू, जिसमें चाहे उसमें x की वैल्यू डाल दो, अब y को निकाल लो, तो 4 माइनस 4 y की वैल्यू आ गई 0, ये आपका था क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को उठाया, किसी एक वेरिएबल तरह किया,
फिर दूसरी इक्वेशन को उठाया, पिछली बार जिस वेरिएबल की वैल्यू आ गई थी उसकी जगह उसकी वैल्यू डाल दी, जैसे वाई इक्वल टू 4-2x आ गया था तो दूसरी वाली इक्वेशन 2y की जगह 4-2x। अब क्या इसके आगे मुझे बताने की जरूरत है कि कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना? नहीं, x तो 2 आ गई, अब y इक्वल टू जो होल्ड किया वहाँ पे x की, वैसे y की वैल्यू कहीं भी डाल लो तुम, x की वैल्यू चाहे इसमें भी डाल लो चाहे इसमें जिसमें चाहे उसमें डाल लो, तो हमने जो होल्ड किया वो ज़्यादा आसान था, y इक्वल टू पहले था y था, हमें y निकालना था तो x में डाल दिया, तो ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें एक कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ सकते हैं वो एक अलग बात है, पर कॉन्सेप्ट आपका वही है। अब हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। एलिमिनेशन मेथड मोस्ट ईजी लगता है मुझे, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को तुम्हें ख़त्म करना है अब्दुल, किसी एक वेरिएबल को तुम्हें क्या करना है, ख़त्म करना है, या तो यार वाई काट जाए या तो एक्स एक्स काट दें, रिड्यूस कर दें। वाई या एक्स एक्स को रिड्यूस करने के लिए दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। यार या तो 2x 3x, एक्स भी सेम नहीं है, y2y भी सेम नहीं, कोई बात नहीं, घबराने वाली क्या बात है, हम क्या करते हैं किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं। तो मेरे लिए इजी क्या है, x को इक्वल करना है y को, y को ज़्यादा इजी इक्वल करना, क्योंकि 3 और 2 इसमें तो तुम्हें एलसीएम लेना पड़ जाएगा, इसको भी 6x बनाना पड़ेगा, इसको भी 6x, दो नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 3 से करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली क्वेश्चन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, y को 2y बना देंगे। तो जब y को तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे करना पड़ेगा मेरे भाई, ये गलती ना कर देना, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नई क्वेश्चन क्या आ गई, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और जो पुरानी क्वेश्चन चल रही थी उसे चलाओगे। अब देखो 2y इक्वल हो गया, हाँ दोनों साइन सेम है, क्या अलग है, साइन सेम है, तो फिर हम बाई सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, क्या लिखेंगे, बाई सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है ना, यानी माइनस करेंगे, नीचे के साइन बदलेंगे, नीचे के साइन, ये माइनस 4 में से -3x गया, 1x बचा, 2-2 कट गया यार, इज इक्वल टू 8 में से 6 गया, 2 बचा, लो एक्स की वैल्यू आ गई 2, एक्स की वैल्यू आ गई 2, इसकी वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू, जैसे यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू आ गई थी, किसी एक इक्वेशन में डाल दिया था x की वैल्यू, y की चाहे इसमें डाल, भाई तुम्हारी मर्जी है। तो हमने क्या लगा, हमने तो इजी वाला ये लग रहा है, 1, 2, 3, 4 इक्वेशन है, किस में चाहो उसमें डालो, चलो ये वाली ले लें, 2x सबसे ऊपर वाली, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, 2 इन ब्रैकेट 2 क्यूब, x की वैल्यू क्या आई है, 2y है ना, y इज इक्वल टू 4, 2 टू 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो यार दोनों मेथड में सेम आंसर आ रहा है, दोनों मेथड में भी सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब इक्वेशन थोड़ी सी टफ दी जा सकती है, वो तो एक अलग बात होगी, है ना, टफ दी जाएगी तो वो तुम्हें मैथ का फिर स्किल तुम्हारा कितना है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा समझदारी से करना पड़ेगा, है इजी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको फॉर्मूला डालना पड़ेगा, तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो अगर x निकालना है तो क्या दोगे फॉर्मूला, b1c2 - b2c1 upon a1 b2 - a2 b1, ये हो गया x का फॉर्मूला। अगर y निकालना है तुम्हें तो y के लिए क्या करोगे, c1 a2 - c2 a1, देखो c1 का a2 से मल्टीप्लाई तो c2 का a1 से मल्टीप्लाई, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, तुम तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, तो a1 b2 a1 का नीचे सेम रहेगा, a1 का मतलब b2 से, a2 का मल्टीप्लाई b1 से, b2 माइनस रहेगा, a2 का मल्टीप्लाई b1 से, ठीक है ना, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना सा फॉर्मूला ही तो डालना था। अब सवाल है सर कि ABC क्या है, तो भाई ABC देखो ये है, देखो ये तुम्हारा x में जो लगा है वो a है, जो नंबर लगा है, y में जो लगा है वो b है, और जो कांस्टेंट नंबर है, देखो कांस्टेंट नंबर समझ संभाल के लेना, अगर कांस्टेंट इज इक्वल टू उधर है तो इसमें भी इज इक्वल टू उधर ही रखो, ऐसा नहीं कि इधर 4 इधर हो उधर 0 हो बाद में 6 इधर, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर कांस्टेंट नंबर अदर साइड है तो अदर साइड ही रखना है दोनों इक्वेशन में, तो ये तुम्हारा सी है, ओके। 1, 2 क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन को 1, 1 ले लो और नीचे वाली इक्वेशन को 2, 2 ले लो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ,
वैल्यू को पुट ही तो करना है, वैल्यूज को पुट ही तो करना है। बी वन की जगह बी वन की वैल्यू, बी वन की वैल्यू क्या है बताओ? नहीं, वन है, कॉन्स्टेंट नंबर लेने हैं। ठीक है, बताओ सी टू की वैल्यू क्या है? सिक्स है, यानी कि वन इंटू सिक्स करना है। माइनस बी टू की वैल्यू क्या बोलो? टू है। सी वन की वैल्यू बोलो क्या है? फोर है। अपॉन ए वन की वैल्यू क्या है बोलो? टू है, ओनली टू। बी टू की वैल्यू क्या है? टू है। माइनस ए टू की वैल्यू क्या है? थ्री। बी वन की वैल्यू क्या है? टू वन है। ठीक है ना, कॉन्स्टेंट नंबर बोलने हैं। तो कुल मिला के इनका मल्टीप्लाई करके डिवाइड डिवाइड करके आंसर निकाल, नहीं यकीन आ रहा तो करके दिखा देते हैं आपको। देखो x इज इक्वल टू, चलो बी वन की वैल्यू क्या है? वन इंटू सी टू की वैल्यू बोलो सिक्स। ओके सर। माइनस बी टू की वैल्यू क्या है? टू। टू इंटू सी वन की वैल्यू क्या है? फोर। ओके सर। अपॉन ए वन की वैल्यू क्या है? टू। इंटू बी टू की वैल्यू क्या है? टू। टू टू। माइनस ए टू की वैल्यू क्या है? थ्री। मल्टीप्लाई बी वन की वैल्यू क्या है? वन है। चलो सिक्स माइनस एट टू आ गया। टू माइनस टू फोर, फोर माइनस थ्री वन, मतलब टू बाई वन, मतलब टू आंसर आ गया। ये देखो टू ही तो आंसर आ रहा था, तीनों मेथड में वही तो आंसर आ रहा है। इसी तरह वाई की भी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। सो इजी है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? बस इतनी सी बात थी, तुम्हारा साइमल्टेनियस इक्वेशन खत्म। वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दो ना इस फॉर्मूले से। अच्छा हाँ, ठीक है ना।